नमस्कार, आर्यन रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड की कचौड़ी। ब्रेड की कचौड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। हमने 12 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। आलू हमने 8 से 10 आलू लिए हैं। आपके पास बड़े हो तो आप 4 आलू लीजिएगा। आधी कटोरी मटर उबली हुई है, आलू भी हमारे उबले हुए हैं। नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, धनिए बारीक कटे हुए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे और मटर को दोनों को एक साथ मिला करके मैश कर लेंगे अच्छे से हम। हमने आलू और मटर को अच्छे से मिला करके मैश कर लिया है। इसमें अब हम डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार। लाल मिर्च पिसी हुई, ये भी अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे हम इसमें। धनिया पाउडर, गरम मसाला आधी चम्मच डाला है हमने, हरी मिर्च कटी हुई, धनिया कटा हुआ, अब इन सबको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। हमने आलू में सब कुछ मैश कर दिया है। अब हम ब्रेड को किनारे इसकी हम काट देंगे ब्रेड की। देखिए ऐसे देखिए, हमने सभी ब्रेड की स्लाइस निकाल ली किनारे की। अब हम एक ब्रेड लेंगे और इसको एक कटोरी से इसको हम ऐसे काटेंगे। देखिए ऐसे हम इसी प्रकार सारी ब्रेड को काट लेंगे बीच में से। हमने सभी ब्रेड को काट लिया है। अब हम एक ब्रेड लेंगे, इसको चकले पे रख करके बेलन की सहायता से इसको हम बिल्कुल पतला बेल लेंगे। देखिए हम इसको ऐसे बेल लेंगे सभी ब्रेड को। हमने 4 ब्रेड बेल लिए हैं। अब हम एक ब्रेड को लेंगे, इसमें हम बीच में आलू रखेंगे जो हमने बनाया था। आलू और मटर को इसको हम इस पर फैला देंगे हल्का सा, थोड़ी किनारी इसकी हम छोड़ देंगे। ऐसे करके हम ऐसे कर देंगे, हमने किनारी छोड़ दी है। अब इस पर हम पानी लगाएंगे किनारी पे इसके। हम हमने चारों तरफ पानी लगा दिया है। अब हम दूसरी स्लाइस लेंगे बिली हुई और इसको इसके ऊपर रख करके इसको हम दबा दबा कर किनारे से चिपका देंगे अच्छी तरह से। इसको हम ऐसे करके ऐसे पूरी दबा दबा करके हम चिपका देंगे ऐसे करके। इसको भी हल्का सा हम पुश कर देंगे और फिर इसको हम धीमे से उठा लेंगे। इसकी हम किनारी को और अच्छे से दबा करके चिपका लेंगे ताकि ये हमारी ब्रेड खुले नहीं। इसको हम उल्टा करेंगे हल्का सा, फिर दबाएंगे और इसको हम बेलन से धीमे धीमे हल्का सा हम और बेल लेंगे थोड़ा सा बस। इसको हम ऐसे तैयार कर लेंगे। बस हमारी ये किनारी इसकी खुलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
ऐसे हम इस प्रकार हम सभी ब्रेड भरकर तैयार कर लेंगे। हमने सभी ब्रेड को भर लिया है। हमारी जो ब्रेड की किनारी है और ये हमने काट के निकाली थी, इसको हम मिक्सी में डाल करके बारीक पीस लेंगे। और हमने 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके इसका हम घोल तैयार कर लेंगे पानी डाल के इसमें। अब हम देखिए, हमने ब्रेड को अच्छे से मिक्सी में बिल्कुल इसका बारीक चूरा बना लिया है और हमने मैदा को भी घोल लिया है। और अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब एक हम लेंगे भरी हुई ब्रेड को, इसको हम मैदा में डिप करेंगे, जो मैदा का घोल है दोनों तरफ से। फिर इसको हम लेंगे, ऐसे सूखी ब्रेड में डालेंगे और ऐसे लपेट लेंगे इसको अच्छे से हम दोनों तरफ से। इसको उठाएंगे और इसको ऐसे हल्का सा दबाएंगे दोनों तरफ से, ऐसे कढ़ाई में डाल देंगे। इसी प्रकार हम और भी सेक लेंगे। गैस को हम मीडियम रखेंगे। अब इसको हम पलट देंगे धीमे से। और इसको हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारी ये सुनहरी हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे। दोनों निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम और ब्रेड भी सेक लेंगे। हमने दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लिए। अब हम और ब्रेड भी ऐसे ही सेक लेंगे। हमारी ये भी कचौड़ी सिक चुकी है ब्रेड की। अब इनको भी हम निकाल देंगे और गैस हम बंद कर देंगे। लीजिए, हमारी तैयार है ब्रेड की कचौड़ी। बहुत ही क्रिस्पी बनी है। नाश्ते में बनाइए और खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।